नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बारे में एक बहुत बड़ी खबर आई है और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के जो मौत के जिम्मेदार है, जो मर्डरर्स है, उनको अभी एक्सपोज किया जाएगा। एक के बाद एक मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। पहली बात यह है कि अनिल देशमुख, जैसे आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हैं और ईडी अनिल देशमुख के पीछे भाग रही है, लेकिन अनिल देशमुख लापता है। इसी बीच, जैसे मैंने आपको बोला था कि अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी ताकि उनके खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई ना कर सके, उनको इम्यूनिटी चाहिए थी, जिसके कारण वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ पर उन्होंने बेल के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन दुख भरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है और अनिल देशमुख की ये जो अर्जी है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी फुल छूट मिल चुकी है ईडी को, अनिल देशमुख को गिरफ्तार करने का लाइसेंस मिल चुका है और अभी बहुत जल्द अनिल देशमुख गिरफ्तार होने वाले हैं। अनिल देशमुख का जो पैतरा था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाया और अनिल देशमुख अभी कुछ ही दिनों में गिरफ्तार होंगे। सिर्फ अनिल देशमुख नहीं, उनके जो बेटे हैं उनके नाम पर भी बहुत सारे कंपनीज हैं और ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी है। ईडी के पास बहुत ज़्यादा सबूत है जिसके बिना पे अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी बोला है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में बहुत गंभीरता से ईडी काम कर रही है और इसमें कोई भी रोक टोक सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, तो ईडी को मिल गई है फुल लाइसेंस और अनिल देशमुख अब खतरे में। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक चौंकाने वाली बात शेयर करने वाला हूँ। महाराष्ट्र के एक पॉपुलर न्यूज़पेपर दिव्य मराठी, इस न्यूज़पेपर में उन सारे पॉलिटिशियंस के नाम आए थे जिनके नाम पे इल्लीगल प्रॉपर्टीज़ है, इल्लीगल कंपनीज़ है। उसमें पहला नाम आया था किसका, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे की जो वाइफ है उनके नाम पे 12 कंपनीज चल रही है दोस्तों। जी हाँ, पूरे 12 कंपनीज चल रही है। अगर आप न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ देखोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12 कंपनीज उद्धव ठाकरे के वाइफ के नाम पे है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक CM की पगार कितनी होती है और वो 12 कंपनीज कैसे खरीद सकते हैं और चला सकते हैं, इतना पैसा, इतना काला धन कहाँ से आता है। अभी जैसे आपको पता है कि अनिल देशमुख के केस में भी जितने भी उनके प्रॉपर्टीज़ है उसकी जब छानबीन की गई, तब देखा गया कि करोड़ों रुपए का जो प्रॉपर्टी है वो अनिल देशमुख के नाम पे है और बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ है, फर्जी कंपनीज़ जो अनिल देशमुख के बेटे के नाम पे है। तो ये जो धंधा है कंपनीज़ का, ये बहुत पुराना है और जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसे फर्जी कंपनीज़ बना के काला धन कमाते हैं। तो अभी नेक्स्ट नाम आने वाला है उद्धव ठाकरे का और मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्द उद्धव ठाकरे की भी जांच होगी। वो अभी CM है तो क्या हुआ, अनिल देशमुख तो गृह मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अभी मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी जांच होने वाली है। अभी वेट सिर्फ इसी चीज़ का है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उद्धव ठाकरे के केस में जाँच करेगी। तो अभी शिवसेना के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था कि अनिल देशमुख के खिलाफ CBI ने एक FIR दर्ज की थी और उसमें सचिन वाजे के नाम पे कुछ पैराग्राफ्स थे जिसके खिलाफ उद्धव सरकार ने आवाज़ उठाई और वो चाहते हैं कि वो पैराग्राफ्स वहाँ से हटाए दिए जाए। उद्धव सरकार ये बोल रही है कि अनिल देशमुख को पकड़ो, लेकिन सचिन वाजे के बारे में जो स्टेटमेंट्स है उसे उस FIR से हटा लो, उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सचिन वाजे अगर CBI के सामने आ जाती है और CBI अगर सचिन वाजे को 1-to-1 इंट्रोगेशन करेगी, तो फिर उद्धव सरकार के बारे में काफ़ी सारे राज निकल के आ सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि सुशांत के मौत के कुछ ही दिन पहले, दिशा सालियन के मौत के 2-3 दिन पहले ही सचिन वाजे को फिर से मुंबई पुलिस में दाखिल किया गया था। उनका पास्ट रिकॉर्ड जो था वो बिल्कुल ख़राब था, लेकिन इसके बावजूद परमवीर सिंह सचिन वाजे को लेते हैं और उसके बाद 2-2 मर्डर्स होती है और उसके बाद एंटिलिया केस भी होती है, मंसूख हिरेन की भी जान ली जाती है जिसमें सचिन वाजे का नाम आया है, NIA उनको ऑलरेडी गिरफ्तार करके रखा है, आपको पता ही है। तो अभी ये जो पूरा जो एक सर्कल है, इसमें आप देख सकते हो कि सचिन वाजे हो या फिर अनिल देशमुख हो, सबके साथ ठाकरे का एक कनेक्शन है और नेक्स्ट जो नंबर है वो उद्धव ठाकरे का आने वाला है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि अभी अनिल देशमुख पकड़े जाएंगे तो वो सबको लेके डूबेंगे, वो अकेले तो नहीं डूबने वाले। तो बहुत जल्द पूरा जो केस है वो हमारे आंखों के सामने होगा और हमें पता चल जाएगा कि सुशांत और दिशा के मर्डर के पीछे कौन है। ऐसे तो हमें पता है, लेकिन ऑफिशियली ये चीज़ें हमारे सामने होगी।
मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच पाए। टेक केयर दोस्तों। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा।